वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे, टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किए और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं, ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टर लाइव। तो दोस्तों, आचार संहिता लगने के पहले नितिन गडकरी ने क्या कर दिया है बड़ा ऐलान, क्योंकि संसद भवन के अंदर उन्होंने बोला है कि आचार संहिता लगने से पहले जो है हमारे देश के जितने भी टोल प्लाजा है उनको हटा दिया जाएगा, उनको सभी को जो है चेक पोस्टों जो है टोल वसूली का जो है जितने भी टोल प्लाजा उनको सभी को जो है देश से हटा दिया जाएगा, कोई भी टोल जो है आपको नहीं देना पड़ेगा। और किस प्रकार से जो है नए तरीके से क्या किया जाएगा, क्योंकि भाइयों आपको पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे टोल प्लाजा जहां पे जाम रहता है, फास्टैग के कई बार टोल रीड नहीं होता है, तो पहले आपके जो फास्टैग है उनको हटा दिया जाएगा और नए तरीके से जो है नंबर प्लेट, हाईटेक नंबर प्लेट जो हमारी गाड़ियों में लगी है उसके जरिए जो है सैटेलाइट के साथ जो है उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। जितना आप मान लो कई बार आपको पता है कि शहर में आप निकलते हैं 10 किलोमीटर ही जाना पड़ता है लेकिन आपको टोल टैक्स जो है काफ़ी भारी चुकाना पड़ता है, उसको लेकर भी भाइयों बड़ा जो है ऐलान किया कि जैसे आप मान लो गाड़ी आप चलाते हैं आपने 10 किलोमीटर ही जो टोल रूट यूज़ किया है तो आपको 10 किलोमीटर के ही पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे आपको 100 से 150 रुपये आपका फास्टैग में से पहले कट जाता था, वो बिल्कुल नहीं होगा। और जो भाइयों मान लो बड़े एक्सप्रेस वे है, मान लो जहाँ पर ट्रक चलते हैं, हैवी व्हीकल चलते हैं, मान लो कई बार आपके टोल है जो 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में जाता है, उसको जो है मान लो आपने यहाँ से मान लो दिल्ली जाना है, हैदराबाद से दिल्ली की तरफ जाना है, तो वहाँ से आपको किलोमीटर के हिसाब से जो है ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एक्सप्रेस वे छोड़ोगे तो आपका जो है टोल कट जाएगा। मान लो आप बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको भाई अकाउंट में से भी जो है टोल कट जाएगा, अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो आप भाई कैसे गाड़ी चलाएंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि रोकने वाला तो आपको कोई नहीं, या तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी के पेपर ब्लैक लिस्ट कर दिया, ये भी सरकार के पास जो है बड़ी जो है पॉलिसी है, क्योंकि अगर आपके टोल के चलने के पैसे नहीं है तो आपके पेपरों को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, फिर उनको आपको खुलाना पड़ेगा। मान लो कोई बड़ा हादसा हो जाता है, आपकी इंश्योरेंस भी खत्म होगी, सब कुछ हो, यानी कि आप बिना टोल से अपनी गाड़ी लेकर जो है नहीं चल सकते। ये नया तरीका सरकार ने जो है टोल टैक्स का अपनाया है भाइयों, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे टोल है, टोल प्लाजा है जहाँ पे जाम है, उन्होंने बताया कि शहरों के पास में जो टोल प्लाजा उनसे भी लोगों को आने जाने में काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो इसी को लेकर जो ये बड़ा ऐलान किया है। देखो भाइयों अब आने वाले दिनों में देखते हैं, मोदी जी के इलेक्शन भी आने वाले हैं, क्या वाकई ये टोल प्लाजा हट पाएंगे या एक कोई जुमला है या कोई ये फ्रॉड है या कोई एक नया तरीका है सरकार का जो है वोटरों को लुभाने का। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या कोई बड़ी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी हमारे देश में, जैसे विदेशों में भाइयों 120 की स्पीड में आपका जो है टोल कट जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भाइयों सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हम देश में आप लोगों के हमेशा जो है आवाज़ उठाते हैं, आप तक जो है हम जानकारियां लेकर आते रहते हैं। ट्रांसपोर्टर लाइव का अगर काम है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ट्रांसपोर्टर लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।